तो नर्मदा जिल्लानी एक दिवसीय मुलाकाते आवेला विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरे चिल्ड्रन होमनी मुलाकात लई त्यां आश्रित बाळकोने आपवामां आवती सुविधाओनुं बारीकाईथी निरीक्षण कर्युं हतुं। आ मुलाकात पूर्वे तेमणे गरुडेश्वर खातेना सामूहिक आरोग्य केन्द्रनी पण मुलाकात लीधी हती। सांसदनी ग्रांटमांथी निर्माण पामेली लेबोरेटरी तेमज ऑपरेशन थिएटरनुं लोकार्पण करी जात निरीक्षण कर्युं हतुं। साथ ही हॉस्पिटल माथी सारवार लईने स्वस्थ जीवन जीवी रहेला नागरिकों साथे संवाद कर्यो हतो। चिल्ड्रन होम खाते आश्रित बाळकोना शैक्षणिक अने सामाजिक विकास माटे पण डॉक्टर जयशंकरे ग्रांट फाळवी छे। तेमाथी तैयार थयेली 15 कम्प्यूटर वाळी लेबनुं उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। हॉस्पिटल SDH में वहाँ मैं पहली बार वहाँ कोविड के समय में गया था, तो उनको उस समय कुछ कमियां महसूस हो रही थी। वो उनको उस समय आपको याद होगा कि ऑक्सीजन फैसिलिटी की वहाँ स्थापना नहीं थी। तो उसके बाद मैंने तय किया कि जो मेरे साइड से जो MP लैड फंडिंग जो है उस हॉस्पिटल में जितना वहाँ की फैसिलिटीज़ को हम और बेहतर बना पाएंगे वो अच्छा होगा। तो अभी जो उन्होंने इसका जो उपयोग किया है बहुत अच्छी तरीके से किया है। एक तो एक अच्छा लैब फैसिलिटी उन्होंने लगाया वहाँ, और वो मुझे बता रहे थे कि अभी तक जो किसी की भी टेस्टिंग होती है तो एक तो प्राइवेट उनको प्राइवेट लैब से टेस्ट कराना होता है, उसमें काफ़ी पैसे देने पड़ते थे, और कभी कभी ये उनको बड़ौदा जाना पड़ता था या राजपिपला जाना पड़ता था। तो अभी जो है वो पेशेंट मरीज जो है वो खुद वहीं माने घंटों में उनके टेस्ट हो सकती है, पैसे भी बच जाते हैं, समय भी बच जाता है। तो एक तो वहाँ लैब की स्थापना हुई, फिर जो वहाँ उनका ऑपरेशन थिएटर जो था वो भी बहुत पुराने किस्म का था, वहाँ ठीक लाइट भी नहीं था। तो अभी पूरा वो ऑपरेशन थिएटर में वहाँ तरक्की हुई है, और जो वहाँ लेबर रूम जो है जहाँ औरतें डिलीवरी के लिए जाती हैं वहाँ भी जो वहाँ की जो प्रक्रिया जो है उसमें भी काफ़ी सुधार आई है। और आपने देखा जहाँ वो जो पेशेंट जो जो आते हैं बैठते हैं उनके लिए सुविधा जो है। तो उसके बाद हम यहाँ चिल्ड्रेंस होम गए, और वहाँ मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि जो लड़कियाँ जो हैं उनके लिए माने क्लासरूम कंप्यूटर लैब साइंस लैब खेलने के लिए व्यवस्था, और जो बिल्डिंग में जो कमियाँ जो थी वहाँ भी हमारा कुछ योगदान रहा। और उसके बाद हम लोग यहाँ आए, और ये जो एम्बुलेंस जो है, क्योंकि जो आपको वो डॉक्टर ने भी बताया होगा कि ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ वो हार्ड टू रीच जगह हैं, जहाँ वहाँ से पेशेंट को आना मुश्किल है, तो उससे अच्छा कि हम उनके यहाँ पहुँचे। और ये एम्बुलेंस मेरा पहले भी अनुभव जो है कि बाकी तालुकों में कि जहाँ जहाँ एम्बुलेंस की फैसिलिटी है उसका बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि अब ये एक एम्बुलेंस है, मेरे ख्याल से दो और ऑर्डर पर हैं तो ये भी आएंगे। तो ओवरऑल जितना माने यहाँ नर्मदा में जो भी मेरे ओर से हो सकता है मैंने कोशिश तो की है, और यहाँ उसको आके देखने में और उसका जो उपयोग जो है उसको समझने में और उसका पब्लिक पे प्रभाव जो है उसको देखने में बहुत खुशी हुई। तो मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।